हाय एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। माय नेम इज हीना एंड वंस अगेन आई एम बैक विद अ न्यू रेसिपी। तो आप लोग सब कैसे हैं? हाय रजत, हाय कीर्ति, कीर्ति कीरत, ओके कीरत, सॉरी। सो हाय एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। माय नेम इज हीना वलेचा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और आज मैं अमूल के फेसबुक पे बटर गोट बनाने वाली हूँ। फेस्टिवल सीजन है और फेस्टिवल के टाइम पे मैं ये बटर गोट बना रही हूँ। और व्हाट बेटर देन अमूल अटली बटरली डिलीशियस बटर। तो अमूल के बटर से आज हम बनाएंगे बटर गोट। तो लेट्स स्टार्ट। बटर बोट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अमूल बटर एंड सम गार्लिक टोस्टी, सम बिस्किट्स। आप कोई भी चीज ले सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं टोस्टीज को। एंड सम वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस एंड मिक्स्ड हर्ब्स। तो स्टार्ट करते हैं हम बनाना। हम इसको कैसे बनाते हैं हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बटर को सॉफ्ट करके इस तरीके से पाइपिन बैग में डाल दिया है। बटर बोट डेकोरेट करने के लिए मैंने जो बटर है उसको पाइपिन बैग में डाल दिया है। और पाइपिन बैग से स्टार्ट करेंगे हम अपना बटर बोट बनाना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नोजल को कट कर लेंगे। हाय एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। तो यहाँ मैं बटर बोट बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बटर है वो मैं बोट पे इस तरीके से डाल दूंगी। और एक स्पून लेके हम इसको इस तरीके से डाउन कर देंगे। आप देख रहे हैं कैसे किया मैंने। तो स्पून को साइड कर लेती हूँ और इसी तरीके से मैं जो बटर बोर्ड है अपना पूरा डेकोरेट कर लूंगी बटर से। बटर बोर्ड का ट्रेंड भी बहुत वायरल हुआ था, आप सब लोगों को पता होगा। बट जब मैंने इसे बनाने की कोशिश करी तो इसमें थोड़ा थोड़ा टेक्निकल चीजें आई, लाइक हमें सॉफ्ट बटर को कोन में डालकर यूज करना है तभी हम एक फिनिश्ड बटर बोर्ड बना पाएंगे प्रेजेंटेशन करके। तो इस तरीके से मैं एक एक ड्रॉप डाल रही हूं और इसको नीचे करती जाऊंगी। तो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल कमिंग। फिर बीच बीच में हम एक एक ड्रॉपलेट डालेंगे। और इसको इस तरीके से डेकोर कर देंगे। बटर को स्प्रेड करने के लिए भी हमें ये पाइपिन बैग की हेल्प लेके हम इस बटर बोट को बना रहे हैं। थोड़ा और लूंगी मैं। हाय एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग।
साथ में अब हम इसमें लगाएंगे कुछ वेजिटेबल्स। मैं यहाँ पर एक टमेटो का फ्लावर बनाऊंगी। बेसिकली हमें एक प्लेटर बनाना है और उसके साथ जो भी चीजें साथ में जाती हैं हमें उनको स्प्रेड करना है इस बटर के साथ। तो यहाँ सेंटर में मैं एक छोटा सा एक रोजबड बनाऊंगी जस्ट टू गिव अ नाइस लुक। तो यहाँ पर हमने छोटा सा एक टमेटो का फ्लावर बनाया। आपने देखा मैंने कैसे बनाया। और कुछ हम कुकम्बर्स से इसको डेकोरेट कर लेंगे। लाइक हमें बटर भी चाहिए, हमें लाइक जो भी चीजें इनके साथ खाने में अच्छी लगे एकम्पनी करें इन सब चीजों के साथ। तो अब जैसे मैं ये मैंने गार्लिक टोस्ट चीज रखी है इसके साथ हमारे साथ इसको खाने में हम सैलेड का भी यूज कर सकते हैं, बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ना आपस में खाने में टेस्ट इनका एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहां मैंने गार्लिक टोस्टीज डाली हैं, ये मैंने यहां पर थोड़े से बिस्किट्स रखे हैं। इस तरीके से और ऐसे ही हम अपना जो पूरा बोर्ड है इसको हम डेकोरेट करेंगे। सो जस्ट अ मोमेंट। तो यहां मैंने एक स्लाइसर लिया है, इसकी हेल्प से मैं इसमें से शेविंग्स निकाल लूंगी कुकम्बर की। सो अभी मैंने कुकम्बर के स्लाइसेस निकाल दिए, इसको ले लेंगे हम और साथ में इसके साथ रख देंगे। A small leaf of lettuce. ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे हम थोड़ा सा ये मिक्स्ड हर्ब से बटर को। साथ में गार्निश करेंगे हम इसको कुछ मिंट और कोरिएंडर लीव्स से। तो अगर आप कोई स्नैक्स भी बना रहे हैं ना तो आप उसके साथ इनको सैंडविचेस हैं उनके साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। स्मॉल स्मॉल सैंडविचेस बना लीजिए और इस तरीके से जब आप टेबल पे रखेंगे जब फेस्टिवल सीजन आता है और हम डिनर टेबल जब अरेंज करते हैं तो ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लाइक हमारा बोर्ड बन सकता है। तो यहाँ कुछ लाइक बीच बीच में मिंट लीव्स डाल दी हमने छोटी छोटी और इस तरीके से हम इसको गार्निश कर देंगे। ये जो क्रैकर बिस्किट्स हैं इनके साथ इसी तरीके से अमूल की बहुत सारी चीज आती हैं तो हम चीज बोर्ड भी बना सकते हैं विथ सम। सो हाउ डज इट लुक, इजंट दैट ब्यूटिफुल। सो हाय एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले थे बटर बोर्ड जो मैंने बना लिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है ये। तो आपने देखा विद इन नो टाइम मैंने ये एक सुंदर सा प्लेटर बना लिया है और इस तरीके से आप पार्टी के लिए अपने प्लेटर्स अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। So thank you everyone for joining and thank you Amul for this wonderful platform. I hope आपको ये आज का plating पसंद आया होगा।
आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू मेक रदर जी, इट्स वेरी सिंपल, बट यू कैन सी हाउ अट्रैक्टिव इट इज लुकिंग। जब आप अपने टेबल पे इसको अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसी तरीके से हम छोटी छोटी प्लेटिंग्स कर करके और अपने जो डिनर टेबल्स हैं या स्नैक्स, कोई पार्टी टाइम है, पार्टी प्लेटर्स बना सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन, सॉरी गुड इवनिंग। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये प्लेटर कैसा लगा। इट्स वेरी सिंपल, आई नो इट्स वेरी सिंपल, बट यू हैव टू अरेंज द अरेंजमेंट्स। जो अरेंज करने का जो आर्ट होती है वो भी एक आर्ट होती है। तो आप लोग जरूर इस तरीके से अपने फूड को प्लेट करें और प्रेजेंटेबल बनाएं। एंड दिस इज अमूल बाटा बोर्ड। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय।